नरकटियागंज नगर परिषद में मिल रहा है अपने चहेतों को लाभ। जूही आसमी। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज की भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष जूही आसमी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि स्थानीय पोखरा चौक के पास स्थित पोखरा के सौंदर्यकरण कार्य हेतु सरकार से प्राप्त राशि को अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एक ही काम को कई भागों में प्राकलन तैयार कर कार्य कराया जा रहा है, जबकि उक्त कार्य का एक ही प्राकलन तैयार कर निविदा निकाल कर कराया जा सकता था, जिससे राजस्व की प्राप्ति के साथ ही बंदरबाट पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। नगर परिषद में जो घोटाला हुआ है उसके संबंध में आपने क्या मांग रखा है? मैं मांग रखी हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि ये जो यहाँ नरकटियागंज में घोटाला हुआ है, लूट मचा हुआ है, उसका आप अपने स्तर से जाँच कराएं और करवाई हो। किस मद में घोटाला हुआ है? घोटाला हुआ है जो जगह जगह साइन बोर्ड आप देख रहे हैं वो 5 से 6 हज़ार के लागत में बन सकता है, उसको 25 हज़ार 30 हज़ार के लागत को बता करके उसमें घोटाला हुआ है। एनजीओ को दिया गया है जो साफ सफाई का मामला, उसमें भी घोटाला हुआ। अपने चहेते को दिए हैं माननीय सभापति महोदय, अपने चहेते को दिए हैं। और जो पोखरा का सौंदर्यकरण है वो टेंडर होना था उस कार्य को, उतना बड़ा कार्य को अपने करीबी को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने टुकड़ा टुकड़ा में करके उसको, जबकि वो एथी के द्वारा होना था, हाँ डाके द्वारा होना था, लेकिन उसको उन्होंने एक ही आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए दिए। आपके आवेदन में जिक्र है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए अपने चहेतों को दिया है, आवास का लाभ दिया है, तो क्या कोई आपके इसमें है कि हाँ ये चहेता हो सकता है? जी है। बोले कौन है? उनका चहेता है, उनके अपने दो भाई हैं, उनके नाम पर आवास योजना निकला है। ठीक है, माननीय सभापति महोदय का, उनके अपने एक बहुत करीबी हैं जो यहाँ वार्ड नंबर 1 से हैं, बीतू जायसवाल जी, उनका अपना 3 मंजिल का मकान है, उनके नाम पर निकला है। इनके अपने भाई हैं, इस शहर के अंदर उन लोगों का 10 बीघा जमीन है, वो अपने मुंह से बोलते हैं, और उनके दोनों भाई अपने भाई के नाम से निकाले हैं। अपने 20 नंबर वार्ड में एक ही घर में एक ही पति पत्नी के नाम पर 2 निकाले हैं, ऐसा कितना ही मामला है। 2500 वार्ड में अगर जाँच कराएं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और मैं चाहूंगी कि इस पर जांच हो सही तरीके से। क्या आवास योजना के नाम पर यहाँ दलित परिवार को और हाँ, नहीं मिला है यहाँ सौतेलापन हाँ, गरीब लोगों को नहीं मिला है, मिला भी है तो 25,000 रुपया लिया गया है, मिला भी है तो उन गरीब लोगों से 25,000 रुपया लिया है, जो दिया है उसको मिला है, जो नहीं दे पाया है, सक्षम नहीं है, उनको नहीं मिला है उसका हक उठा के। साथ ही साथ जूही आसमी ने बताया कि नगर परिषद द्वारा सिलापट लगाने एवं कूड़ा दान खरीदने में भी घोर अनियमितता बरती गई है। नरकटियागंज से दीपू शाह की रिपोर्ट।